नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिलोचन भट्ट। साथियों, इस चैनल पर हमने एक उत्तराखंड की धरोहरों को लेकर एक सीरीज शुरू करने की सोची है और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं घंटाघर से। विकास के नाम पर घंटाघर का क्या हाल कर दिया गया है, इस बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं घंटाघर के इतिहास को। मेरे साथ मौजूद हैं श्री विजय भट्ट जी। भट्ट जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, घुमक्कड़ हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े हुए हैं और देहरादून के इतिहास और यहाँ की धरोहरों के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। विजय भट्ट जी के फेसबुक पेज यात्रा पर आपको देहरादून की ज्ञात और अज्ञात ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मिल जाएगी। आइए जानते हैं घंटाघर के इतिहास के बारे में विजय भट्ट जी के साथ। लाला बलबीर देहरादून के न्यायाधीश और जाने माने रईस थे। 12 सितंबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी श्रीमती मनभरी देवी और बेटे आनंद सिंह ने उनकी स्मृति में बलबीर क्लॉक टावर का प्रस्ताव सिटी बोर्ड को भेजा। रईसों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते कई तरह की रुकावटें पैदा करने का लंबा सिलसिला चला। सिटी बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री आनंद स्वरूप गर्ग इस निर्माण के पक्षधर थे। उन्होंने आनंद सिंह को सलाह दी कि यदि शिलान्यास के लिए गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू को तैयार करें तो बात बन जाएगी। ऐसा ही हुआ। 24 जुलाई सन 1948 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू ने बलबीर क्लॉक टावर का शिलान्यास किया। इसके ठेकेदार ईश्वरी प्रसाद चौधरी, नथुलाल और नरेंद्र देव सिंगल थे, जबकि वास्तुकार थे हरिराम मित्तल और रामलाल। पहले इसका डिजाइन चौकोर था, जो बाद में षटकोणीय करा दिया गया। इस प्रकार 80 फीट ऊंचे पूरे देश में अनूठे किस्म के इस घंटाघर का निर्माण हुआ। 23 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन रेल यातायात मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने घंटाघर का उद्घाटन किया। यह सभी जानकारियां राज्य अभिलेखागार और घंटाघर में लगे शिलान्यासों से ली गई हैं। और अब जानते हैं कि जीर्णोद्धार के नाम पर घंटाघर का क्या हाल कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि घंटाघर के चारों ओर स्विमिंग पूल की टाइल्स वाली यह दीवार खड़ी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ फव्वारे लगाए जाएंगे। अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। घंटाघर के 6 दरवाजे हैं। ऊपर जाने के लिए गोल घुमावदार सीढ़ी है। अब कोई इन तक नहीं पहुंच पाएगा और यहां लगे शिलापट भी हमेशा के लिए लोगों की नजर से ओझल हो जाएंगे। जिन खानदान ने यह बनाया, बलबीर रईस बलबीर और उनके बेटे आनंद कुमार आनंद ने, जी जी, और उनको जिसने सहयोग किया, जो इसके आर्किटेक्ट रहे, जो इसके ठेकेदार रहे, जिन इसका जो है शिलान्यास सरोजनी नायडू ने किया, इसका उद्घाटन जो है लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन रेल मंत्री उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उन सबके जो शिलापट यहाँ लगा है उसको भी ढक दिया गया है। उसको देख ही ना पाए कोई आने वाले जनता, इसको रास्ता ही नहीं छोड़ा है उसको देखने के लिए। घंटाघर और काले पत्थर के ये शिलालेख एक दूसरे के अभिन्न अंग रहे हैं। इन शिलाओं के एक तरफ देहरादून के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और सेनानियों के नाम उकेरे गए हैं तो दूसरी तरफ भारत के संविधान की प्रस्तावना है। लेकिन देहरादून प्रशासन पर विकास की सनक कुछ ऐसी चढ़ी कि इन शिलालेखों को घंटाघर की चहार दीवारी से बाहर कर दिया गया है। घंटाघर का अपना दायरा पहले यहाँ तक था जहाँ ये हरे रंग की नेट लगी है, लेकिन अब यह दायरा लगभग 3 मीटर कम कर दिया गया है।
देहरादून के मेयर श्री सुनील उनियाल कहते हैं कि घंटा घर का दायरा पहले टेढ़ा मेढ़ा था, अब इसे सुंदर कर दिया गया है। कितना सुंदर हुआ पूछते हैं विजय भट्ट जी से। ये आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है, जो निजाम है के जो धरोहर है उस धरोहर को संभाल के रखना भी इनको नहीं आ रहा है। अब ये घंटाघर जो है इस शहर का हृदय है, हाल्ट है, इसकी पहचान है, और ये पहचान जो है आज इसको जो है सौंदर्यकरण के नाम पर, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर इसको जो है इस पे इसका जो है इसको इसका गला घोटा जा रहा है धीरे धीरे करके। पीपल का पेड़ इतना पुराना यहाँ पर है, इससे पुराना पेड़ घंटाघर से पुराना, लेकिन उसको भी जो है बाहर करके उसका भी गला घोट दिया गया। पर्यावरण के ठीक खिलाफ ये टाइल्स जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई बाथरूम बनाने की बात हो रही है, शौचालय जैसे जो है हमाम बन रहा हो तो हमाम के ढंग से ये बन गया है। फुहारे ये अपना जो है आजादी के आंदोलन में देहरादून के लोगों ने जिन्होंने भाग लिया उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो ये शिलापट लिखा गया था इसको भी ये बाहर इसको कर दिया इन्होंने। शहर के कुछ जागरूक नागरिकों के कारण पीपल का यह पेड़ अभी यहाँ खड़ा है, लेकिन लगता है जल्द ही इन शिलालेखों के साथ ही पीपल का यह पेड़ भी हमेशा के लिए यहाँ से हटा दिया जाएगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐतिहासिक धरोहर के साथ इस छेड़छाड़ पर मीडिया चुप है और आम नागरिकों में से भी बहुत कम आवाजें इसके खिलाफ उठ रही हैं। अगली बार हम किसी और ऐतिहासिक धरोहर के पास चलेंगे, तब तक आपसे अनुरोध है कि यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।